अरे इंदु, ये कपड़े तो तुम जन्मदिन पर पहनने वाली थी ना? पिताजी, मेरा जन्मदिन तो फरवरी में है और मौसी ने मेरे कहने पर हम बच्चों के लिए खास दावत रखी है। वाह, फिर तो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। बाय बाय पिताजी। कितना फटाफट काम कर रहे हो। तुम्हारी मदद से हम ये शादी के लड्डू सही समय पर मंडप पर भेज पाएंगे। मदद कैसी मौसी, हमें तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ माँ, भीम और राजू खाना और लड्डू दोनों खत्म करने में बड़ी मेहनत करते हैं। आज की दावत में बड़ा मजा आएगा। चलो, राजकुमारी भी तैयार होकर आ गई। मैं तो तुमसे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ भीम। मेरा लड्डू खाने का मन नहीं। हा? राजकुमारी, आप ही को तो दावत के लड्डू खाने थे ना? हाँ। आज राजकुमारी का बर्ताव कुछ अजीब सा लग रहा है। चलो पार्क चलते हैं। रुको बच्चों, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? थोड़ा पढ़ भी लो, यहाँ क्या लिखा है। महाराज की आज्ञा से पार्क बंद है, बच्चों को अंदर जाने की मनाही है। पिताजी का आदेश है, उसका पालन तो करना ही होगा। अच्छा, रुको अभी बताता हूँ। अरे ऐसे झगड़ते नहीं। दोस्तों, मुझे एक कमाल की जगह पता है। मैं नहीं आ रहा। ठीक है कालिया, तुम जाओ, हम इंदुमती की बताई हुई जगह पर चलते हैं। वाह, ये तो अपने पार्क से भी बेहतर है। जी, हमें बचाओ। वो नहीं आएंगी ढोलू भोलू। जश्न की तैयारी कीजिए, हमारा प्लान पूरा हुआ। और ये भी मत भूलो कि ये आइडिया मेरा था। और मैं भी परियों की रानी हूँ। कहो तो हम फैसला करें। मगर कैसे? पूरी परी, मुझे तो दावत के वक्त ही शक हो गया था, क्योंकि असली इंदुमती ना तो राजू का मजाक उड़ाती और ना ही लड्डू की बुराई करती। पर नाटक करके पीछा करने को कहा। चुपके से हमारे पीछे पीछे आओ। परी और मंगल सिंह ने बंदी बना लिया है। फिक्र मत करो, हम अभी आपको छुड़ाते हैं। हम सब में से पूरी परी को कैसे पहचाने? एक तरीका है, बस इतना बता दो कि मेरा जन्मदिन जुलाई के कौन से दिन होता है। 22 जुलाई, 1 जुलाई। मगर तुम्हें कैसे पता चला? सबको पता है इंदुमती का जन्मदिन जुलाई में नहीं होता। ए? तो फिर कब होता है बताओ? 14 फरवरी। पिताजी, इसी बहाने एक और दावत हो जाए। दावत कल हो जाए, आज जगह नहीं है पेट में। Thank you.
नए मसीहा के बारे में सुना? मुझे तो उसकी शक्ति का राज भी पता है। मौसी, हमें भी दिला दो निंजा प्रिंस की शक्ति। आते देखा? नहीं तो, पर मैंने पिताजी से कह के तुम्हारी बहादुरी का सम्मान समारोह रखा है। आखिर ढोलकपुर का असली रक्षक तो भीम ही है। वो निंजा प्रिंस किस काम का? वैसे निंजा प्रिंस भी ढोलकपुर के ही काम आता है। शायद उसे भी भीम की तरह मदद करना अच्छा लगता होगा। अच्छा छोड़ो, जश्न की तैयारी करनी है, मैं चलती हूँ। बाय। नेचर में रहने का मजा ही कुछ और है। यहाँ शांति है, खुशी है और है प्यार। बहुत भूख लगी है। चलो राजू, कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। तो ये लो, इसे तुम रख लो। अरे वाह, थैंक यू। वाह भीम, एक ही बार में वर्ल्ड कप के आर पार, किस्मत अच्छी थी। सही कहा राजू, हम जितनी मेहनत करते हैं उतना ही किस्मत साथ देती है। आज तो मैं सारे के सारे पकवान खा जाऊंगा। सम्मान भीम का और जश्न थालियां मना रहे। ये कैसी आवाज थी? दोस्तों, मैं अभी आया। नहीं दे रही भी, मेरी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढो। महाराज फिक्र मत कीजिए, मैं राजकुमारी को जरूर ढूंढ लूंगा। और ये निशान तो निंजा प्रिंस के हैं। मंगल सिंह के आदमी भी फरार हैं। इसका जवाब तो एक ही जगह मिलेगा। राजकुमारी इंदुमती। हाँ, तुम्हें पता था? फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। शुक्रिया भीम। भीम, तुम सच में इस पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली और सबसे बहादुर हो। निंजा प्रिंस भी कोई कम नहीं है राजकुमारी इंदुमती।